इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ किस्से कहानियां ऐसी मौजूद हैं जिनसे लोग अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में बने शेख चिली के मकबरे की, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। दूर दूर से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। बनावट की अगर बात करें, इस मकबरे में लगा पत्थर भी वही पत्थर है जो आगरा में स्थित ताजमहल में लगा हुआ है। आइए बात करते हैं कुछ लोग। एंट्री पे कोई फीस तो नहीं देता? मां धंधे के एक रुपया भी हम तो लेने वाले में हां लेने वाले में तो हां देने वाले में को नहीं भीतर तो ले 20 रुपये देश का भीतर बड़ा अच्छा। और पहला फरी था 20 साल हुए 20 रुपये कर दिए 20 रुपये कर दिए भीतर नहीं गए नाम गए को नहीं 20 रुपये भरने पड़ेंगे इसलिए हाँ वो देखा हमारा पैसा 80 लग गए 20 कहां 4 का 80 लग गए 80 लग गए 80 क्या बंद हो पवे सारे फ्रेंड्स कलीग्स वो भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। एक बार इनसे पूछ लेते हैं, पहले तो आप लोग फ्रेंड्स हो? फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ के बारे में पता कैसे लगा था? हम लोग यहीं पढ़ते हैं NIT कुरुक्षेत्र में। ओके। तो यहाँ का तो फेमस जगह है घूमने के लिए। तो सुने थे अपने फ्रेंड्स से कि यहाँ पे घूमने के लिए है, तो बेसिकली होम टाउन क्या है आप लोग का? मैं सीकर राजस्थान से हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यूपी एंड राजस्थान, मतलब यूपी और राजस्थान वाले भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो कैसा लगा, कैसे घूम के? अच्छा लगा, पीसफुल है। हाँ, कुछ हिस्ट्री वगैरह पता है आपको इसकी? नहीं, हमें इतना नहीं पता, बस हम यहाँ आए थे एक्सप्लोर करने, घूमने, तो सब घूम के अच्छा लगा। यहाँ योर गुड नेम? राजवीर पाठक। प्रियंका अग्रवाल। तो भाई स्टूडेंट्स हैं NIT के और यहाँ पर वैसे ही घूमने के लिए आए हुए थे, कह रहे थे अभी तो एक्सप्लोर कर रहे थे, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लोग आ तो रहे हैं लेकिन किसी को भी इसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, वो ज़रूर हम आपको बताएंगे। इतिहासकारों का मानना है कि जब शेख चिली ईरान से भारत घूमने आया तब उसे पता चला कि कुरुक्षेत्र में जलालुद्दीन साहब साबरी, जो कि जाने माने विद्वान हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। तब उसने उनसे मिलने की ठानी और जब वो उनसे मिलने आया तो यहाँ का ही होकर रह गया। उसकी मौत के बाद उसके शिष्य ने मकबरे को बनवाया। समय के साथ यह टीला अपनी पहचान खोने लगा, लेकिन जब पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत लिया गया तो इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया। इसमें बहुत सारे लोग दूर दूर से आज भी घूमने के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र में यह टीला काफ़ी फेमस है और इस पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कपल्स हों, हस्बैंड वाइफ्स हों, फैमिलीज हों, हर कोई जो है इस टीले पर घूमने के लिए आता है और अलग अलग जगह पर अपनी फोटोज भी खिंचवाता है। ये कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कुरुक्षेत्र हम आए हुए थे और ये फैमिली जो है वो भी घूमने यहाँ पर आई हुई थी, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लगा इन्हें घूम के? सर, यहाँ के बारे में पता कैसे लगा था? अच्छा लगा, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा घूम के, काफ़ी अच्छा है यहाँ का माहौल, काफ़ी सुंदर है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं सहारनपुर, यूपी। यूपी से? यूपी। तो इस जगह के बारे में किसने बताया था? बस हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, उनसे पता गया था। उनसे पता लगा था? क्या बोला उन्होंने, कहाँ जाओ घूमने? बस उन्होंने बताया था यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वो हमें घुमाने ले आए थे जी। अगर इस मकबरे की मैं बात करूँ, शेख चिली के मकबरे की, कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा हमें, यहाँ घूम के सब कुछ बहुत अच्छा। इसके बारे में कुछ पता भी किया, कैसे बना, क्यों बना? नहीं, कुछ नहीं पता किया। कुछ नहीं पता किया? आपको पता है कुछ? नहीं। आप भी सहारनपुर से आए हैं? जी, सहारनपुर से। तो आप देख सकते हैं फैमिली जो है सहारनपुर से स्पेशली आई हुई थी घूमने, इन्हें पता तो लगा था लेकिन ज़्यादा हिस्ट्री इनको यहाँ की पता नहीं है। और भी कुछ फैमिली से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे ताऊ भी आए हुए हैं जीन से घूमने के लिए, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ कहाँ से आए हो? गाँव तो हमारा कालवन। अच्छा। जिला जींद। जिला जींद। तहसील है हमारा नरवाना। आए कहाँ घूमने, नाम क्या इस जगह? इसका कुल 70 जड़ायू या भूमि यानी गवर्नमेंट में तो थानेसर है। थानेसर ना, इस जगह का, इस मकबरे का नाम क्या है? शेख चिली का। शेख चिली का क्या नाम है? शेख चिली का मकबरा। अच्छा, पता है कैसे कैसे बना है, क्यों बना? यूं तो परमात्मा ने मेरा न्यू कर दिया, इस रात में बना था। यूं किस खातिर बना था? ईसा नाजा तारे और मुसलमान ना राज हो करता। इसमें तीन मजल है, तीन ने ना मकबरा बनाया, कब्र कब्र। और ये तो अपना दूसरा शाह चल रहा है, नहीं इसमें जो कब्र भी बनी हुई है, नहीं कब्र तो वो वहाँ पे है ना, इसके अंदर है। अच्छा, बीच में तीनों मजलों में जिस वक्त सूरज भी निकलेगा नहीं उसके ऊपर किरण जाएगी, तीनों मजलों में जड़ेगा सूरज जाएगा नहीं, मतलब अंदर तीन कब्र बनी हुई है, उन तीनों कब्रों पे सूरज की किरण जाती है, जो इवनिंग उसका ऊपर रहेगी। आपका क्या नाम है? मेरा जगदीश।
कहाँ से हो? मैं हिसार से। हिसार से आए हो, कैसे पता चला था इस जगह के बारे में? हम यहाँ ब्रह्म सरोवर में आए थे, वहाँ से पता चल गया था। वहाँ से पता चला था। और कुछ पता लगाया फिर कैसे बनी ये जगह है, कुछ भी इसके? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं मालूम, अभी तो पहली बार आए हैं। आसर जिस तरह कहते ने भूत भी जिन प्रेत मैं उनका बनाया बता मैं। अच्छा। और कि मैं देखा था नहीं पछले बताते अरे अरे यू शेख चिली का मकबरा यू थे है। ये तो कहते हैं शेख चिली के जो स्टूडेंट थे, जो शिष्य थे, उन्होंने बनाया था उनकी याद में। यू तो बनाया था उन्होंने, किसी राजा का थे है, कोई राजा हो या नहीं नहीं बेकारो पंडुआ को नहीं, तो नहीं बताया दूंगा यहाँ पूरा नहीं, मजदूर लाग रहे हैं जो ही बताए देंगे, जिसका नाम है राजा का जलालुद्दीन। हाँ जलालुद्दीन इस तरह नाम है उसका, नाम था उसका थे है। तो मजा आया घूम के? हाँ ठीक जमा बढ़िया। कोई फीस फूस तो नहीं ली? ना एंट्री पे कोई फीस तो नहीं दीता? मां नंदे गई रुपया भी हम तो लेने वाले में हां लेने वाले बताओ। हां देने वाले में को नहीं, 70 तो लेवे 20 रुपये जिस का 70 बड़ा और पहला फरी था 20 साल हुए। अच्छा ये 20 रुपये कर दिए? 20 रुपये कर दिए। 70 नहीं गए? नाम गए को नहीं, 20 रुपये भरने पड़ेंगे इसलिए। हां वो देखा हमारा पैसा 80 लग गए। 20 कहां 4 का 80 लग गए। 80 लग गए 80 क्या मैं दो पवे ताऊ कह रहे भाई अंदर एंट्री के तो 20 रुपए लगते हैं, पहले फ्री था और 80 के आते हैं, दो पौ है ना ताऊ? दो पौ है साधु ने पी के नहीं पौआ 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 आराम से रोटी खाने से जाएंगे। तो भाई चार लोग आए हुए थे, ताऊ ने बढ़िया हिसाब लगा दिया, आराम से दो पौ मार के रोटी खा के सो जाएंगे, अंदर नहीं जाते हम। कहाँ से आए एक बार अपने जिले का नाम तो बता दो चारों एक बार तेज। मेरा जिला कैथल है। कैथल मेरा जींद जिला है। जींद जिला है, हिसार है। हिसार है मेरा, जींद है। जींद जींद वाले ज्यादा आ रहे हैं? नहीं दो जींद के एक हिसार का एक कैथल जिला का। अच्छा ये चारों कट्ठे किस तरह हो गए? बस आप कट्ठे रहो जाट धर्मशाला में। अच्छा हाँ कट्ठे रहो धर्मशाला नहीं होता सारे में एशिया नहीं अपना हिंदुस्तान के सारे दूसरे देशों में भी ईश्वर की धर्मशाला नहीं है सदा बरता इसमें दो टाइम तो चार रोटी किसी टाइम खाओ। अच्छा तो वहीं रहते हो जाट धर्मशाला में? हां एंड फिर कानी तो दाने भी लिया मां और ये सस्ता चलता ही क्या गल है तो गांव में से हरे गांव से दो दो तीन तीन कैंटर भर के गेहूं का यहां आएगा। तो आप देख सकते हैं काफी सारे लोग इसी तरीके से और भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये एरिया आप देख सकते हैं काफी सारे लोग फोटोज क्लिक कराने के लिए, कपल्स भी जो है वो भी पहुंचते हैं, कुछ आंटियां भी यहाँ पर आई हुई हैं, मैम्स भी, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। मैम कैसा लगा यहाँ आकर? न्यू टू दिस प्लेस, आई डोंट नो हाउ इज द प्लेसेस। अभी घूम कर कैसा लगा? मैं अभी जस्ट आई हूँ। जस्ट ओके, कैसा लग रहा है बेटा घूम के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो मैम? झारखंड, रांची। हाँ यहाँ के बारे में पता कैसे चला था? मेरा बर्थ प्लेस है कुरुक्षेत्र, बट मैं कभी घूम नहीं पाई यहाँ। अच्छा। बहुत टाइम पहले 20 साल पहले यहाँ से एग्जिट कर चुकी हूँ। बस अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। ये बहुत छोटी जगह थी, अब देख रहे डेवलप नहीं हुआ, ये एक्सकेवेट हुआ है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। योर नेम? कंचन। तो कंचन मैम थे जो कह रहे हैं कि भाई मैं तो, मेरा बर्थ प्लेस तो यही है लेकिन मैं यहाँ कभी आई नहीं थी शादी से पहले, अभी फिलहाल घूम रही हूँ, देख रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट्स भी हुई हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ, टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद। तो आप लोगों में से कौन कौन इस टिले पर आया हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि शेख चिली के इस मकबरे पर कौन कौन आया हुआ है और किस किस ने इसे अभी तक नहीं देखा हुआ है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शेख चिली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, देखिए इसकी सीढ़ियाँ जो इसे ऊपर के रास्ते पर ये सीढ़ियाँ लेकर जाती हैं, जहाँ से ऊपर का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आप लोग भी ऊपर जाकर इस नज़ारे का जो है इन्जॉय ले सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से आसपास हरे भरे पेड़ आप लोगों को नज़र आने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी एक फैमिली आउटिंग की सोच रहे थे तो ये जगह आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है।